हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति वारी, ड्रेस डिजाइनर प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्लाउज में साइड में चेन कैसे लगाते हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, तो किस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है, किस तरीके से आप ब्लाउज में फोल्ड करके चेन को अटैच करोगे तो परफेक्ट फिनिशिंग आएगी एंड चेन बहुत ईजिली लग जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। तो आज का टॉपिक है ब्लाउज में साइड चेन कैसे लगाएं, ब्लाउज में जिप कैसे लगाएं। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको देखने के बाद से। कल मैंने अपलोड किया था कि शोल्डर क्यों गिरता है, ब्लाउज सूट किसी का भी शोल्डर क्यों गिरता है, उसका पूरा बारीकी से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको आसानी हो जाएगी वीडियो ढूंढने में। तो चलिए, वैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली मेरे चैनल पर जाओगे तो फर्स्ट ऊपर में ही कल का ही वीडियो है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की और वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज यहाँ पे कट किया, मतलब स्टिच कर लिया है पूरा। काफ़ी स्टाइलिश ब्लाउज है, इसका कटिंग स्टिचिंग का देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर अपलोड कर दूँगी। तो ये हमने जो डबल सिलाई लगा दी थी फिटिंग के अनुसार, तो जो साइड वाली सिलाई है उसको थोड़ा सा खोल लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ओके, उसके बाद जो आपका फिटिंग का निशान है उसके अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, इस तरीके से आपको मोड़ना है और जहाँ तक आपकी सिलाई है वहाँ तक आपको इस तरीके से सिलना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई चला ली। उसके बाद जैसे आप सूट का चौक बैठाते हो, सूट का साइड चौक कैसे बैठाते हैं उसके लिए भी वीडियो में बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे चाप को बैठाना है, देन जो इस साइड का कपड़ा है इसको हल्का सा फोल्ड करना है और एकदम उस सिलाई के ऊपर रख देना है। ऐसे सूट के चौक जैसा नहीं बैठाना है आपको, यहाँ पे सूट के चौक जैसे बस सिलाई लेके आनी है, उसके बाद साइड वाला कपड़ा उसके ऊपर रखना है। अभी मैं पूरा स्टिच करके दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद यहाँ से भी इसको फोल्ड करना है, उस कपड़े को घस ऊपर की तरफ हटा लेना है ताकि वो कपड़ा दब ना जाए आपका। ओके, जहाँ पर आपकी फ़िटिंग का निशान है, जैसे ये हमारा फ़िटिंग का निशान है, यहाँ तक ही आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और जस्ट उस निशान के ऊपर ही सिलाई चला देनी है। तो ये देखिए किस कुछ इस तरीके से सिलाई होगी यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई बैठानी है, चौक की तरह नहीं बैठाना है, ये कपड़ा एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाना चाहिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, चैन लेना है ब्लाउज का चेन, देन यहाँ से इस तरीके से आपको सिलाई करनी है चेन पे। ओके, एकदम किनारे पे सिलाई इस तरीके से चला लेनी है, जहाँ तक आपका ब्लाउज का साइड ओपन है वहाँ तक सिलाई चलानी है। ओके, इसके बाद आपको चैन को बंद कर लेना है, देन ये वाला जो हमारा स्टिच किया था हमने इसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से बराबर कर लेंगे ताकि चेन आपका पूरा ढक जाए। ओके, चेन दिखना नहीं चाहिए, दिखने वाला भी लगाते हैं चेन वो इजी होता है, लेकिन ये वाला सुंदर दिखता है और अच्छा लुक आता है इस तरीके से लगाने से, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया हुआ है। अगर आपको उस टाइप का चाहिए होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस टाइप की वीडियो लेके आ जाऊँगी। उसके बाद से जो हमने सिलाई चलाई थी पहले उसके ऊपर जस्ट चेन के ऊपर इस तरीके से रखते हुए इस साइड से स्टिच कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपका चेन दिखे ना और पूरा अच्छे से पैक हो जाए। आप चाहो तो उल्टी साइड से भी चला सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। तो ये हमने चला लिया, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा चेन लग चुका है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा छूट गया है सिलाई, तो इस पर मैं दोबारा से सिलाई चला लूँगी। ओके, यहाँ पे सिलाई हमारी थोड़ी सी रह गई थी, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सिलाई लगा लिया। अब धागे को कट कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो ब्लाउज में साइड चेन कैसे लगाएं, और एक्स्ट्रा चेन को कट कर दीजिए। ओके, और ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा, चेन आपकी अंदर रहेगी, इस तरीके से ओपन होगा ये।
बिल्कुल भी चेन दिखेगा नहीं साइड से, ये एक्स्ट्रा धागे जहाँ से भी निकल रहे हैं उसको कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच कर दीजिए, इससे आपका चेन मतलब खुलेगा भी नहीं और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई चला दे रही हूँ इस तरीके से। अब दूसरी साइड वाले को भी उस साइड के अकॉर्डिंग ही मतलब बराबर रख के, ये देखिए इतना है, तो यहाँ से निशान ले लीजिए आप और यहाँ तक ही फोल्ड करना है इस साइड के कपड़े को भी। थोड़ा सा भी जो ऊपर नीचे कपड़ा है, चेन है, उसको कट कर दीजिए और ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी और समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये हो गया हमारा। नीचे में आपको हुक लगा देनी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। यहाँ पे हुक लगा देनी है, नीचे वाले की तरफ कच बनाना है, ऊपर वाले में हुक लगा देना है, इससे पूरा अच्छे से आपका फिनिशिंग आ जाएगा। ब्लाउज में जीप यानी साइड चेन लगाने का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद से। अगर समझ में आ गया वो वीडियो और अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल सीखनी हो तो मेरे दूसरे चैनल पे चले जाइए, प्रीति वाली चैनल का नाम है, जिसमें मैं ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड और हेयर स्टाइल से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स की वीडियोज लेकर आते रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए ताकि मैं लाइव आके आप लोगों को, आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो लाइव आप लोग से डिस्कस कर पाऊँ। आप लोग भी मुझे मैसेज करोगे कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे कपड़ों की कटिंग स्ट्रेचिंग में, तो मैं इजीली बता पाऊँ। उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने पड़ेंगे, तभी हम लोग का लाइव इनेबल होता है, ऑन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड चैनल पर। बाय।